हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। जो हमारे तरीके दोस्त, भाई, बंधु, जितने भी दोस्त लोग हैं, उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया मैंने मॉडिफिकेशन निकाला है। तो जो आपके अलॉय व्हील थे, जी हाँ, मोटरसाइकिल के जो अलॉय व्हील थे, जैसे हीरो हांडा हुआ, स्प्लेंडर प्रो हुआ, पैशन प्रो हुआ, एक्सप्रो हुआ, और भी कई टीवीएस की गाड़ियां हैं, जैसे अपाची, टीवीएस विक्टर, टीवीएस की कई भी अभी तो नई लेटेस्ट में भी निकली है, एंटॉर्क करके भी है, और भी स्कूटीज, जितनी भी स्कूटीज, मोटरसाइकिल, सब पे ये लागू की कर सकते हैं आप। तो आपको करना क्या होगा, आपकी गाड़ी को अच्छा दिखाने के लिए आपको जितने भी अलॉय व्हील हैं, जी हाँ, जितने भी अलॉय व्हील हैं, उसका जो कलर है वो आप चेंज कर सकते हैं। जी हाँ, मेरे टीवीएस विक्टर में अलॉय व्हील पहले ब्लैक कलर का था, मैंने सिल्वर कलर का, गोल्डन कलर का, दोनों ही करके देख चुके हैं कि कौन सा अच्छा लगा। तो मैंने सिल्वर कलर का इस समय किया है, गोल्डन था, मैंने सिल्वर कलर का किया है। तो आप भी कर सकते हैं अपनी मोटरसाइकिल के जो अलॉय व्हील्स है उसको पेंट, इसको, इस वीडियो को देख करके। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करना ना भूले और कमेंट करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वीडियो को पूरा देखें। फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर अलॉय व्हील खोल रहे हैं, ये 17 नंबर का पाना है, इससे अलॉय व्हील खोल लिया जाता है सबसे पहले। तो ये जो बोल्ट है, इसको खोलने के लिए हम लोगों को 17 नंबर पाने का यूज करना पड़ेगा। और जैसे ही इस जो रॉड लगी हुई है इसके अंदर, इसको जैसे ही बाहर निकालेंगे आपका अलॉय व्हील खुल जाएगा। तो चलिए खोल लेते हैं इसको, ये देख पा रहे होंगे आप, खोल लिया गया अच्छी तरीके से। अभी इसको अंदर की तरफ ढकेलना पड़ेगा, क्योंकि ये रॉड जो है अंदर फंसी रहती है, मतलब ये जो अलॉय व्हील है ये इसको दबा करके रखता है, कि ताकि आपका जो अलॉय व्हील है इधर उधर ना हिले और बाहर भी ना निकल पाए। तो सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें कितना जोर लगाना पड़ रहा है, अगर आप अलॉय व्हील को हिलाएंगे, जैसे आगे पीछे करेंगे, तो ये जल्दी निकल आएगी रॉड। और क्योंकि ये अलॉय व्हील पकड़े रहते हैं ना इसको, रॉड को, जो ये रॉड रहती है इसको पकड़े रहता है, इस वजह से। इसको निकालने का सबसे एक अच्छा तरीका है, इसको खींच लीजिए बाहर, अपने आप निकल आएगी ये रॉड। और ये जो है ये ब्रेक वाली वायर है, इसको हल्की सी ढीली कर लेंगे और इसके जो ऊपर का जो पैनल है उसको निकाल लेंगे हल्का सा ढीला करने के बाद। अगर चाहे तो आप पूरा भी इसको खोल सकते हैं, ये देखिए आराम से फिर निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये अलॉय व्हील बाहर निकल आया हुआ है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको पेंट करने वाले। तो अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो गोल्डन कलर के अलॉय व्हील थे, ये अभी हम लोगों ने खोल लिए हुए हैं इसको अलग लुक में लाने के लिए। तो अभी हम लोग इसको सिल्वर कलर में करेंगे, सिल्वर क्रोम फिनिश सिल्वर। तो आप समझ पा रहे होंगे इसको क्या करेंगे, हम लोग ने अभी गोल्डन कलर में किए थे। अगर आपको इसकी वीडियो देखनी है तो प्लीज मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी हुई है, वहां जाके देख पा रहे होंगे। और ये जो गोल्डन कलर है ये देख पा रहे होंगे थोड़ा काला पड़ गया, इस वजह से अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, सिल्वर कलर में करने वाले हैं, जो कि इससे भी बेस्ट लुक आएगा आपकी टीवीएस विक्टर के लिए। तो आप देख पा रहे होंगे ये टीवीएस विक्टर है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अलॉय व्हील को खोल लिए हैं, तो अभी इसमें से थोड़ी सी हवा निकाल लेंगे और इसके जो अलॉय व्हील है वो अच्छी तरीके से रगड़ के धो लेंगे। सकते हैं जो इसमें धूल मिट्टी लगी ना हो, जैसे जो अलॉय व्हील रहता है उसमें धूल मिट्टी लगी रहती है और पेंट जब कर दिया जाता है तो वो 2-3 दिन बाद छूट जाती है, तो ऐसा ना हो आपके साथ, तो इस वजह से आपको सबसे पहले रगड़ के धोना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। You're breaking down the walls again.
आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर अलॉय व्हील पेंट किए जा रहे हैं सिल्वर कलर में, गोल्डन से सिल्वर कलर में किए जा रहे हैं। अब आपको इसके बाद जो वीडियो देखने को मिलेगी वो है मॉडिफाइड टीवीएस विक्टर। जी हाँ, मॉडिफाइड टीवीएस विक्टर। अगर आप भी, आपके भी मन में कोई ख्याल है कि मॉडिफाइड टीवीएस विक्टर हमको ऐसी बनानी है, तो आप ज़रूर कमेंट से कमेंट करें। और आपको कैसे लगे अलॉय व्हील आप ये भी कमेंट करें टीवीएस विक्टर के। अभी आपको एक बार लगा करके भी दिखाया जाएगा कि कैसे लग रहे हैं। और नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है वहाँ से जा करके आप ये जो अलॉय व्हील्स हैं बने हुए हैं इसको देख पाएंगे टीवीएस विक्टर में। तो आपको एंड में इसके मॉडिफिकेशन के हिसाब से दिखाया जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आप वहाँ से जाके क्लिक करेंगे तो मॉडिफाइड टीवीएस विक्टर देखने को आपको मिल जाएगा। आपको वहाँ पर इसके ये अलॉय व्हील लगे हुए दिखाई पड़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक पड़ा है उसको क्लिक करना ना भूलें। I am who I'm meant to be. I am who I'm meant to be. Over and out. My future needed clarity, so I could see how you react. Doubted all that I could do, knowing what I need to do. All I can say, the word is thank you. I think it's what you need to push away from the shore, amongst the waves. Exactly what बनाया गया था अलग से। और यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो आपको सबसे बड़ी बात बताने वाला हूँ वो है अलॉय व्हील। तो जो इसके अलॉय व्हील थे वो ब्लैक कलर के थे जैसे उसमें लगे हुए हैं, और यहाँ पर अभी इसको सिल्वर कलर का किया गया।